हरियाणा चुनाव परिणाम की विश्लेषण को लेकर धर्मशाला से चलने वाला एक वेब पोर्टल में समाचार को लेकर उपरोक्त धारा के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसके विरोध में प्रेस क्लब ऑफ मंडी की ओर से उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा ने कहा कि ऐसा करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। सभी मीडियाकर्मी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्रदेश सरकार और मीडिया कर्मियों के बीच जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है उसे बरकरार रखने के लिए एक मुकदमे को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। आज हमने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन भेजा मंडी जिला के तमाम मीडिया कर्मियों ने और जितने भी हमारे संगठन हैं उन सब ने, प्रेस क्लब हैं, दूसरे यूनियन हैं, सब ने एक डीसी मंडी के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भेजा। 8 अक्टूबर को एक खबर छपी थी न्यूज रडार में, धर्मशाला से प्रकाशित होता है, वेब पोर्टल है और उसके सुनील चड्ढा जी और इसके जो हैं इंचार्ज महामुखिया हैं, उसमें हरियाणा के जो चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए उसके संदर्भ में खबर थी कि हिमाचल के जो संदर्भ है, हिमाचल की जो नीतियाँ, हिमाचल सरकार की जो कारगुजारी है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा हरियाणा में। तो एक पूरी तरह से जो है एक राजनीतिक विश्लेषण था ये, जो आम तौर पे रोजाना अखबारों में छपता है, लेकिन उसमें सरकार ने किसी माध्यम से उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी 8 अक्टूबर को शिमला सदर थाना में, और ये एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के ऊपर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये सब लिखने का पूरी छूट है।